2 और 3 दिसंबर को प्रदेश भर में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। 2,52,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए 2,29,249 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षा परिणाम भी जारी किया गया था। उससे पहले आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी असंतुष्ट थे इस बात को लेकर और लगातार वो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कैंपस में आकर अपने डेलीगेशन को लेकर मेमोरेंडम भी दे रहे हैं। आज भी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी यहाँ पर आए थे, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है, वजह क्या है, बार बार क्यों वो यहाँ पर चक्कर काटने पर मजबूर है। आपका नाम क्या है? ऋषिकेश नाम है सर। ऋषिकेश जी, क्या एजेंडा था आज, किस लिए आप लोग आए? सर, जैसा कि आपको पता है कि अभी स्टेट 2023 की परीक्षा हुई थी, उसके रिजल्ट के अंदर सर काफ़ी सारी गड़बड़े मिली है। पहले तो शुरुआत में तो जो 30 नंबर आउट ऑफ सिलेबस थे वो मुद्दा सर, फिर हम 11 तारीख को आए, वो मुद्दा हमने रखा तो बोर्ड ने हमारी कुछ बातें तो सुनी थी कि हम बोले, उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सर फिर क्या हुआ, इन्होंने एक फार्मूला लेके आए ये, जिसके अंदर इन्होंने जो 120 के साथ में भाषा का कंपेरिजन किया, ठीक है सर। फिर ये जो चेयरमैन साहब हैं ये बड़े मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि इससे इतने बच्चों का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो अब ये बताइए सर, अगर कोई बीमारी है ना, सभी बच्चे बीमार हैं, तो उसकी जो दवाई है वो सभी को मिलनी चाहिए या फिर किसी चुनिंदा बच्चों को मिलनी चाहिए? जी, आपत्तियां मांगी गई थी 2 दिन के लिए, जब जो रिजल्ट आने से पहले जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा के बाद आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी। क्या तमाम अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी उस वक्त? हाँ जी सर, जो आप जो मुद्दा बता रहे हो ना ऑब्जेक्शन का, हाँ वो ऑब्जेक्शन में भी काफ़ी सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है सर, वो सर जो ऑब्जेक्शन है उसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है पूरे। उन्होंने ये कहा है कि 360 डिग्री जो है उस हिसाब से जो सिलेबस दिया गया था उसी में से घुमा करके सवाल पूछे गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, उनका ये कहना है। और ये भी कहते हैं कि पहली मर्तबा जो है बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उसी पाठ्यक्रम के मुताबिक प्रश्न पत्र। गतिरोध किस बात का सर? अभी मैं कान ऐसे पकड़ूं, सेम ही बात है, पकड़ा तो कान ही जा रहा है। तो सर वो केवल हमें गुमराह करने की कोशिश करें कि 360 डिग्री कवर नहीं था। अगर सर मैं सिंपल सा सवाल चेयरमैन साहब से करना चाहता हूँ, हमने उनकी बात को ऊपर रख दिया कि कोई गड़बड़ नहीं थी, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, तो सर ये जो ये मॉडिफिकेशन है रिजल्ट के अंदर, वो कह रहे हैं जरूरत ही क्यों पड़ी। एक प्रश्न बताया गया है जिसका हिंदी में जो विकल्प कुछ ठीक बनता था, अंग्रेजी में विकल्प कुछ ठीक बनता था, इसलिए तमाम अभ्यर्थी थे उनको लाभ दिया गया उसका, उससे कितने सहमत हैं सर? हाँ वो बात उनकी सही है, लेकिन सर वो तो एक अलग पोर्शन हो गया ना, रीजनिंग का क्वेश्चन था वो, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश की सर। अगर अब ये बताइए सर, अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, कुछ गड़बड़ नहीं थी बोर्ड की तरफ से, तो ये जो मॉडिफिकेशन है रिजल्ट के अंदर, एक वो नया फार्मूला लेके आए हैं, उसकी जरूरत ही क्या थी? 1300 विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है उसको मॉडिफाई किया ये नहीं सर, वो पोर्शन अलग है, जो 1300 का हुआ है ना वो रीजनिंग के बारे में है, जो ये बता रहे हैं 6500 के करीब 6500 अभ्यर्थियों को जो ग्रेस मार्क्स हैं वो मिले हैं उनके नए फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो फिर वो क्यों दिया गया? अगर बोर्ड सही है तो क्यों ऐसे नंबर बांट रहे हैं? आप लोगों की क्या डिमांड्स है? हमारी सर ये है कि जो इन्होंने फार्मूला इस्तेमाल किया है वो गलत है पूर्ण रूप से। हम उसको बाय आपके यहाँ पे हमारे पास हमने चार्ट बना रखा है, हम वहाँ पे उसको क्लियर भी कर सकते हैं। कि अब ये बताइए सर, जैसे कि ये सभी का जो भी दिक्कत थी, चाहे वो 1 नंबर की दिक्कत हो चाहे वो 10 नंबर की दिक्कत हो, जो आउट ऑफ सिलेबस था या फिर 360 डिग्री कवर नहीं था, दिक्कत तो सभी को सेम ही थी, है ना सर? तो अब ये बताइए, अब ये कैसे, ये क्यों कर रहे हैं वो कि किसी को तो 10-15 नंबर तक की ग्रेस दे दी जाए और किसी को 1 नंबर की भी ना मिले? अब ये बताइए सर, अगर उनके तरफ से पहली बात तो ये कि अगर गड़बड़ नहीं थी तो ये फार्मूला लेके क्यों नहीं आई? अगर वो फार्मूला लेके आए हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गड़बड़ थी। कितने सवाल आपको लगते हैं भाषा के हिसाब से जिनके नंबर जो है आपको मिलने चाहिए थे वो मिले? जो ये 30 नंबर की भाषा आती है, 15 की हिंदी और 15 की इंग्लिश, तो सर वो जो है पूरा का पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस दे दिया उन्होंने, तो वो जो पोर्शन है उसके नंबर सभी को मिलने चाहिए जहां तक मेरी नॉलेज है। ग्रेस मार्क्स, हाँ जी सर, 2000 हाँ जी सर 2017 में भी ये दिए जा चुके हैं सर, TGT पंजाबी के अंदर 21 नंबर की ग्रेस मिली। अगर यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो किस प्लेटफॉर्म पर आगे आप जो है कहाँ तक जाए? नहीं सर, ये आपने ये कहा कि नहीं सुनी जाती है, लेकिन उनका जो हमारे तरफ बात करने का जो तरीका है उससे हम ये कह सकते हैं कि वो बात नहीं सुनेंगे हमारी,
वो बोल चाहे कुछ दे, हम 26 तारीख को भी आए थे, हमें यही कहा गया था कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, विचार कीजिए। बुलाया था तो क्या आपको क्या आश्वासन दिया? नहीं सर, वो यही कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। 26 तारीख को भी यही बात बोली थी, आज भी यही बात बोली है, अगर हम 10 दिन के बाद आएंगे शायद अब तब भी वो यही बात बोलेंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? तो सर सबसे पहले तो मैं एक बात ये क्लियर करना चाहूँगा सर, कि जो भी सामान्य व्यक्ति को देख रहा है वीडियो को, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि दिक्कत सभी को नहीं, पूरा हरियाणा देखता है इंडिया न्यूज़। हरियाणा जो है प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर एक न्यूज चैनल है, वो सारा हरियाणा देखता है। यूट्यूब पे नहीं, आपका जो है ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, तमाम लोग देखते सर मैं हैं। सामान्य का मतलब कि जिन जो स्टेट के अभ्यर्थी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। तो जैसे कि जो बोर्ड की तरफ से दिक्कत हुई है, तो एक बच्चा है 80 नंबर वाला, एक है 89 नंबर वाला, ठीक है सर। 80 वाले को 10 की जरूरत है, 89 वाले को एक की जरूरत है, दिक्कत दोनों को बराबर थी। लेकिन जो 80 वाला बच्चा है वो पास हो जा रहा है, और 89 वाला बच्चा जो उनका जो फार्मूला है उसके कारण फेल हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फार्मूला है वो रिवाइज होना चाहिए सर। जाहिर तौर पर ये फार्मूला भी इनके द्वारा बना था, बता पाएंगे आप किस तरह से फार्मूला बना? जैसे कि सर 150 नंबर का पूरा पेपर होता है स्टेट का, 30 नंबर है भाषा के और 120 हैं जो बाकी के जो सब्जेक्ट बच के उसके। इन्होंने क्या कहा है कि हमने इसका इसके नंबर देख लिए कि इसमें कितने प्रतिशत है, उतने ही प्रतिशत इसमें दे दिए। अगर इसमें 60 है तो इसमें भी 60, इसमें 70 है तो इसमें भी 70 है। अगर किसी के ज़्यादा थे तो हमने क्या किया, उसका वहीं के वहीं रख दिया। जैसे कि यहाँ पे 60% अंक है, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे उसके 70 के 70 रख दिए, कम नहीं किया। बोर्ड ने दिए इसको? हाँ जी, अंक दिए? हाँ जी सर। और लेकिन सर ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाषा के भाषा में दिक्कत थी, भाषा के नंबर बढ़ा रहे हैं, और है ना सुनने में अच्छा लगा। लेकिन सर जब हम इसके एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि लास्ट लास्ट वाले दो ही समझा देता हूँ सर मैं आपको, कि एक बच्चा है जिसको 80 नंबर है प्राप्त हुए हैं, टोटल 5 नंबर मिले हैं भाषा में 30 में से, और 120 में से मिले हैं उसको 75 अंक, ठीक है सर। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, ये 75 अंक 120 में से निकालेंगे, 20 में से निकालेंगे तो ये हो गए 62.5% अंक हो गए। तो इन्होंने क्या किया, भाषा के अंदर भी 62.5% अंक दे दिए। तो यहाँ पे 5 + 14 अंक हो जाएंगे, तो इसके 62.5% हो गए। तो सर इनको हम ऐड करेंगे तो इसके अंक हो जाएंगे 94 अंक। तो ये 90 से पास होता है तो ये पास हो गया, मतलब कि फार्मूला काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये बच्चा 89 वाला, इसको मिले हैं 71 नंबर 120 में से, 59.166% अंक जी। भाषा के अंदर इसको मिले हैं 18, टोटल प्राप्त जो अंक है इसके 18 हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका कंपेरिजन इससे किया है। तो अब ये देखिए 59 थे इसके यहाँ पे, तो लेकिन ये 60% से, तो इसका सेम का सेम रह गया, तो इसको एक नंबर का भी बेनिफिट नहीं हुआ। नहीं सर, रुकिए सर, 18 इसको प्राप्त किए हैं, इसको जो जीरो ग्रेस मिले। कारण है ये फार्मूला सर, ये फार्मूला गलत है, ये फार्मूला पूरी तरह से गलत है। आपको विसंगति लगती? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब ये बताइए सर, जो बीमारी अगर सभी को है, है ना, दिक्कत सभी को है, तो इलाज भी सभी का होना चाहिए ना। ये नहीं है कि कुछ गिने चुने बच्चों का ही हो जाए। जाहिर तौर पर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं एक तर्क के साथ जो है यहाँ पर आए हैं, बाकायदा तर्क जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष इनके द्वारा दर्शाया भी गया, दिखाया भी गया है। हालांकि बोर्ड दावे करता है कि जो है रिजल्ट को मॉडिफाई किया गया था, रिजल्ट में अंक बढ़ाए गए थे, ये लोग खुद भी मानते हैं कि रिजल्ट को जो है मॉडिफाई किया गया है, लेकिन जो जिस तरह का फार्मूला अख्तियार किया गया है वो इनके गले नहीं उतर रहा है। बहरहाल इनका ये कहना है कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी जो पूरा जो मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।